7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बेहद ही संगठित तरीके से इसराइल को घेरकर अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हमला किया था, लेकिन इसके बाद इजरायली सेना गाजा में घुस गई थी और तब से लेकर अब तक इजरायली फौज गाजा के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन इन हमलों के बावजूद हमास अभी भी गाजा की जंग में डटा हुआ है और उल्टा अब इजरायली सेना हमास के हमलों से बैकफुट पर आ चुकी है और हमास ने आईडीएफ के ऊपर हमला करने के तरीकों में लगातार बदलाव किए हैं, जिससे इजरायली सेना हमास के बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। दरअसल हमास आईडीएफ के खिलाफ गोरिल्ला स्टाइल में हमले कर रहा है। हमास के लड़ाके अचानक से आईडीएफ के ऊपर हमला करते हैं और फिर वो कहां गायब हो जाते हैं, इसका पता लगाना आईडीएफ के लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। और इन सब में बारूदी सुरंग, खंडर पड़ी इमारतें, मस्जिदें, मलबों के ढेर, नागरिक ठिकाने हमास के लड़ाकों की सबसे बड़ी पनाहगाह हैं। हमास के लड़ाके आम नागरिकों के भेष में इजरायली सेना पर कहर बरपा रहे हैं। ये लड़ाके कई बार इजरायली सैनिकों को धोखे से खंडरों में बुलाते हैं और फिर बूबी ट्रैप से उन बिल्डिंग्स को उड़ा दिया जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना के ऊपर सामने से आकर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने ठिकानों में छिपकर ही आईडीएफ के ऊपर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये लड़ाके कई बार इजरायली सैनिकों के छोटे समूह पर बेहद ही चालाकी से हमला करते हैं, जिससे आईडीएफ के लिए संभल पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। कई बार हमास के लड़ाके अचानक से सामने आते हैं और फिर आईडीएफ के टैंकों और सैनिकों पर हमला करके एकाएक गायब हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर लड़ाके गाजा के उन इलाकों में छिपे हुए हैं जहां पर कुछ लोगों ने अभी भी अपना घर बार नहीं छोड़ा है और इन्हीं नागरिकों की आड़ लेकर हमास के लड़ाके आईडीएफ के ऊपर हमला करके आसानी से जनता के बीच घुल मिल रहे हैं। और हमास के सरेंडर नहीं करने की वजह से इसका खामियाजा गाजा के फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर गाजा अथॉरिटी के एक आंकड़े के मुताबिक हमास और आईडीएफ की जंग की वजह से गाजा की करीब 2% आबादी जंग में मारी गई है, जबकि 80% लोग अपने घर बार से विस्थापित हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन हमलों में गाजा में अधिकतर इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। हालांकि गाजा में इसराइल के करीब 350 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इस युद्ध को लेकर इसराइल के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरसंहार का मुकदमा भी चल रहा है, जिससे इसराइल की छवि को दुनिया भर में बट्टा लगा है। वहीं मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश सीधे सीधे इसराइल के खिलाफ उतर आए हैं और अब एक बार फिर से फिलिस्तीनी देश की मांग की चर्चा दुनिया में जोर पकड़ चुकी है। लेकिन गाजा में हमास की रणनीति काफी हद तक सफल हुई है। इसराइल के हमलों के बावजूद हमास के याया सिनवार और कई दिग्गज कमांडर अभी भी ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास के 25,000 लड़ाकों में से 14,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार दिया है, लेकिन आईडीएफ का ये दावा अभी भी एक पहेली बना हुआ है। और हमास की रणनीति है कि वो इस युद्ध को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचे, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल के ऊपर दबाव बढ़े, भले ही इसकी कीमत गाजा में और ज्यादा बच्चों और महिलाओं की मौत से चुकानी पड़े। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जब 8 अक्टूबर 2023 को इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमला कर दिया था
तो उस वक्त हमास ने आईडीएफ को रोकने के लिए हमले क्यों नहीं किए। इसको लेकर आईडीएफ के एक जवान का कहना है कि उस दौरान कई ऐसे इलाके थे जहां पर हमास ने बारूद नहीं बिछाया था और हमास के लड़ाके उन इलाकों में जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपे बैठे रहे और उनकी रणनीति थी कि एक बार आईडीएफ गाजा के भीतरी इलाकों में प्रवेश करेगी तभी उनके ऊपर गोरिल्ला स्टाइल में हमले किए जाएंगे। और हकीकत में हुआ भी कुछ ऐसा ही। गाजा के कई इलाकों में हमास के लड़ाकों ने अचानक से आईडीएफ के टैंकों, सैन्य वाहनों और टुकड़ियों पर एकाएक हमले किए हैं। कई बार तो हमास के लड़ाके आईडीएफ के टैंकों में बारूद लगाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमास इस पूरी जंग में कम दूरी वाले और सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसके लिए टिकाऊ भी है। हमास ने साल 2021 से ही कम रेंज वाले रॉकेट, मिसाइल और गोला बारूद का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था और इसका सीधा उद्देश्य था इसराइल के खिलाफ जमीनी हमले के लिए खुद को तैयार करना। और हकीकत में हुआ भी ऐसा। हमास के लड़ाकों ने पूरे गाजा में सैकड़ों नई सुरंगें बनाई ताकि आईडीएफ के साथ जंग में इनका इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के किया जा सके। और इस पूरे नेटवर्क में हमास ने बातचीत के लिए एक अच्छा लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क बिछाया जिसे आईडीएफ के लिए मॉनिटर कर पाना काफी मुश्किल है। यहां तक कि गाजा में इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद होने के बावजूद हमास के लड़ाके इस नेटवर्क से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और हमास गाजा के भीतर आईडीएफ को खुफिया कैमरों, ड्रोन और आम नागरिक मुखबिरों से ट्रैक कर रहा है और यहां तक कि गाजा में बच्चे भी हमास की मुखबिरी का काम कर रहे हैं। ऐसे में आईडीएफ के लिए इस नेटवर्क को तोड़ना भी मुश्किल है। और जैसे ही आईडीएफ का काफिला एक इलाके से गुजरता है या फिर इकट्ठा होता है उसके कुछ ही मिनटों में हमास के लड़ाके एकाएक सुरंगों से निकलकर उनके ऊपर धावा बोल देते हैं। और ऐसा उन इलाकों में होता है जहां पर आईडीएफ हमास को ढेर कर चुकी होती है लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। और इन लड़ाकों में एक पहले तो कैमरा पकड़कर वीडियो रिकॉर्ड करता है जबकि दूसरा हमला करता है और तीसरा बूबी ट्रैप को तैयार करता है ताकि जैसे ही हमास के लड़ाके वापस आएं और उनके पीछे अगर आईडीएफ के जवान आते हैं तो सुरंग में बिछे बारूद यानी बूबी ट्रैप में धमाका किया जा सके। यहां तक कि गाजा की कई इमारतों में हमास ने बारूद बिछाया है ताकि जैसे ही आईडीएफ के जवान वहां पहुंचे वैसे ही उस घर को बारूद से उड़ा दिया जाए। और यही वजह है कि आईडीएफ को गाजा में इतने बड़े पैमाने पर घरों पर हमले करने पड़ रहे हैं और इन्हीं घरों में हमास के लड़ाके हथियार भी छिपा कर रखते हैं। आईडीएफ के कई अधिकारियों ने माना है कि नागरिकों के घरों में हमास के हथियार मिले हैं, यहां तक कि बच्चों के कमरों तक में हथियार छिपा कर रखे गए थे। कई घरों में तो नकली दीवारों के पीछे भारी संख्या में गोला बारूद स्टोर किया गया था और कई बार तो ये लड़ाके सुरंगों से आम निहत्थे नागरिकों के रूप में निकलकर आईडीएफ के सामने से गुजर जाते हैं और इजरायली सेना को इसकी भनक तक नहीं पड़ती। और ये लड़ाके उन जगहों पर आसानी से पहुंच जाते हैं जहां पर दूसरे लड़ाकों ने हथियार इकट्ठा करके रखे होते हैं। इसके अलावा हमास गाजा के भीतर मकानों पर खुफिया मार्किंग भी कर रहा है। ये मार्किंग ऐसे घरों में की गई है जहां पर या तो हथियार छिपाए गए हैं या फिर बारूद बिछाया गया है। कई घरों की खिड़कियों पर लाल कपड़े या प्लास्टिक का थैला टांगा गया है जो ये बताता है कि वहां पर बारूदी सुरंग या फिर घर में बारूद बिछाया गया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी प्लानिंग और तैयारी के साथ गाजा के अलग अलग हिस्सों में तैनात हमास के लड़ाकों से भिड़ने में इजरायली सेना का क्यों दम फूल रहा है। और कहीं ना कहीं हमास की इस प्लानिंग के सामने नेतन्याहू की इतनी मजबूत सेना अब असहाय नजर आने लगी है।